डीएम बिल्डर्स द्वारा कंचनपुर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सैकड़ों लोगों को आवास आवंटित किए गए थे और उस वक्त सभी लोगों से पूरा पैसा बिल्डर मंसूरी ने वसूल लिया था। डीएम बिल्डर्स के कर्ताधर्ता मंसूरी के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि डीएम बिल्डर द्वारा उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है और लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें झांसा देकर एग्रीमेंट करा लिए, पैसे वसूल लिए हैं लेकिन रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहा है। लेकिन रजिस्ट्री कराने के नाम पर डीएम बिल्डर्स उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है और कंचनपुर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, जहां पर डीएम बिल्डर्स मंसूरी पर धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज किया जाए क्योंकि बिल्डर इन लोगों को विगत 15 साल से रजिस्ट्री कराने का सिर्फ झांसा दे रहा है और अभी तक इन लोगों को रजिस्ट्री करा कर नहीं दी गई है। जी बताएं, आज आप लोग आए हैं? आज पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं। भू माफिया डीएम मंसूरी के खिलाफ मामला पंजीवत को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि लगातार प्रशासनिक को अभी ये 15 दिन पहले भी हम लोगों ने जाके ज्ञापन दिया है, पर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भू माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको ये लगता कि प्रशासन बिल्डर से डर रहा। आज हम मांग कर रहे हैं एसपी साहब से कि उस बिल्डर्स के खिलाफ भू माफिया के खिलाफ सख्त मामला पंजीबद्ध कर और कार्रवाई की जाए। आप लोगों ने कितने वहाँ मकान होंगे जो प्लाट लिए? वहाँ कम से कम 200 परिवार के लोग हैं। ज़्यादा है ये कहाँ पे कहलाएगा? जे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी कंचनपुर खसरा नंबर 258/2 पटवारी हल्का नंबर 22/25। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हो भू माफिया के खिलाफ में जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और हम जिससे ये रजिस्ट्रियां हो जाए। आपका नाम? विजय विश्वकर्मा। इसीलिए क्वेश्चन कर दिया। जी बताएं, आज पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन देकर के पुनः हम सब लोगों ने आग्रह किया है कि डीएम बिल्डर के विरुद्ध 420, 467, 468 का मुकदमा बनता है भारतीय दंड विधान के अंतर्गत। इसके पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कमिश्नर को ज्ञापन दिया, परंतु अभी तक उस बिल्डर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम बिल्डर के द्वारा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सैकड़ों लोगों को प्लाट दिया गया, एग्रीमेंट किया गया और उसमें लिखा गया कि आप पूरा पैसा चुकता कर दें, हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे, परंतु आज विगत लगभग 15-18 वर्ष बीतने के बाद भी लगातार लोगों को बरगलाता रहा कि हम कल रजिस्ट्री कर देंगे, परसों कर देंगे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं किया। हमारा आग्रह ये है कि बिल्डर के द्वारा यदि पैसा लिया गया है, एग्रीमेंट किया गया है, तो रजिस्ट्री नहीं की जा रही। यदि रजिस्ट्री नहीं की जा रही तो उसके विरुद्ध मामला रजिस्टर्ड करने में पुलिस प्रशासन को दिक्कत क्या है? 420 का मुकदमा बनता है, मैं बता रहा हूँ। 415 के अंतर्गत, भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ये छल है और 420 का मुकदमा बनता है। डीएम बिल्डर के द्वारा फर्जी मुख्तार आम बनकर के रजिस्ट्री कराई गई, वह मुख्तार आम पूरी तरह से फर्जी है। यदि फर्जी मुख्तार आम है तो 467-468 भारतीय दंड विधान की धाराएं बनती हैं, इनके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर करके उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही लेकर के हम लोग आए हैं। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पुनः हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि डीएम बिल्डर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वॉइस ऑफ राइट्स के जलपुर से आशीष वाधे की रिपोर्ट।